सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ये फॉर्मूला देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का 1/4 πε₀ Q/r³ वेक्टर r, या फिर अगर r वेक्टर के बजाय कैप के फॉर्म में, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 πε₀Q/r² r कैप। ओके, तो जब यूनिट वेक्टर को हम लोग फर्दर वेक्टर के फॉर्म में डिराइव कर रहे थे तब उसके बाद हम लोगों को फाइनल रिजल्ट ये आया था। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को के फॉर्मूले को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्यान देना है यहाँ पर कि ये जो हमारा टर्म है, इन सब में अगर 1/4 πε₀ की बात की जाए या क्यू की बात की जाए तो ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट टर्म्स है और इसमें कोई डायरेक्शन वाली बात नहीं है। ठीक है, ओनली एम्पलीट्यूड की बात है, मतलब स्केलर क्वांटिटीज दी जा रही है। बच जाता है ये हमारा आर जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो आर में एक जो वेक्टर हम लोग ले रहे हैं वो वेक्टर आर, तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। और R³ इसी वेक्टर आर का क्या है, मैग्नीट्यूड का power 3 है। ठीक है, तो हम लोगों को बेसिकली इसी पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि वेक्टर आर की वैल्यू क्या होगी और R³ की वैल्यू क्या होगी। तो देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो वेक्टर आर मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग किसी भी पोजीशन वेक्टर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, XI³ + YJ³ + ZK³, थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा लिखा जाता है। अब आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आर क्यूब के लिए हम लोग आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, और आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √X²+Y²+Z²। तो रूट के अंदर X²+Y²+Z² था, तो रूट मतलब power 1/2, और ऑलरेडी आर क्यूब था हमारा, तो आर क्यूब मतलब power 3/2 हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है, ध्यान दीजिए कि यही से डिराइव हुआ है, 1/4 πε₀Q/r³ था, तो आर के जगह पे हमने लिखा √X²+Y²+Z², तो रूट के वजह से पावर में आ गया 3/2, और ये वेक्टर आर तो हम लोग लिखते ही हैं XI³ + YJ³ + ZK³। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। अब इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ बनते हैं तो उसके प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा। मैं बार बार बता दूं कि कमेंट बॉक्स सॉरी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं PDF बहुत जल्दी अपडेट कर दूंगा, और उस PDF में आप क्वेश्चंस देख सकते हैं इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, और उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो हमारा, अगला टॉपिक जो हमारा है वो है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और वैसे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते टाइम भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रिंसिपल कहता है क्या है। तो प्रिंसिपल बेसिकली, अगर कोई एक हमारा Q1 चार्ज है, जैसे इस डायग्राम में देखिए हमारा एक पॉजिटिव Q1 चार्ज है, इसके चारों तरफ देखिए हमारे पास बहुत सारे चार्ज है, Q2 चार्ज है, -Q3 चार्ज है, +Q4 चार्ज है, और -Q5 चार्ज है। तो टोटल इस सिस्टम में बात करें तो 5 चार्ज है, लेकिन हम लोग इस Q1 चार्ज के ऊपर सुपर पोजिशन लगाने वाले हैं। तो Q1 चार्ज को हम लोग एक टेस्ट की तरह समझते हैं कि ये हमारा टेस्ट है जिस पर कि हम लोग को सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाना है, और बाकी सब जो है Q2, -Q5, Q4 और Q3 ये सब फिक्स्ड चार्जेज है, जिसके वजह से Q1 पर कितना फोर्स लगेगा या सुपर पोजिशन क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो इस पॉजिटिव Q1 पर, इस पॉजिटिव Q2 के वजह से जो चार्ज लगेगा वो रिपल्सिव चार्ज लगेगा, मतलब ये इसको रिपेल करेगा। तो उसका जो डायरेक्शन हमने लिख दिया F12, मतलब वन पर, Q1 पर Q2 के वजह से जो चार्ज लगा वो लगा वेक्टर F12, और वो इस लाइन पर अवे फ्रॉम Q2 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग Q3 -Q3 के साथ देखते हैं, तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, मतलब +Q1 अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स -Q3। तो ये अट्रैक्शन की वजह से इसका जो डायरेक्शन है फोर्स का F13, मतलब Q1 पर लगने वाला चार्ज ड्यू टू दिस -Q3, वो F13 का डायरेक्शन Q1 से Q3 की तरफ रहेगा, मतलब अवे नहीं होगा, टूवर्ड्स -Q3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग Q4 पे बात कर लें, तो फिर से Q1 और Q4 दोनों पॉजिटिव है, मतलब अवे फ्रॉम Q4, तो अवे फ्रॉम Q4 हमारा जो फोर्स हो गया वो क्या हो गया, F14 हो गया। ठीक है, मतलब Q1 पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q4। इसी तरह से हम लोग फाइनली Q3
Q1 और Q5, माइनस Q5 के बारे में बात करें तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। फिर से अगेन ये Q5 जो है ये अट्रैक्ट करेगा Q1 को अपनी तरफ, तो अट्रैक्ट करने की वजह से ये जो F15 मिल गया हमें, मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q5, वो टूवर्ड्स Q5 मिल गया। तो इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स निकाल लिया, और ये सारे के सारे फोर्स किस पे लग रहे हैं, Q1 पे लग रहे हैं। किस किस वजह से, तो F12 लग रहा है Q2 के वजह से, F13 लग रहा है Q3 माइनस Q3 की वजह से, F14 लग रहा है प्लस Q4 की वजह से, और F15 लग रहा है माइनस Q5 की वजह से। तो इस तरह से ये चार फोर्सेस लग रहे हैं, F12, F13, F14 सॉरी और F15, किस पर, Q1 पर। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस पर लगने वाला सारा फोर्स जो भी है, इंडिविजुअल फोर्स है, इंडिविजुअल सोर्स की वजह से जो फोर्स लग रहा, उन सब का हम लोग अगर वेक्टर सम कर दें, वेक्टर के फॉर्म में उसको एडिशन कर दें, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो Q1 पर लगने वाला टोटल फोर्स होगा। स्टेटमेंट में देख लेते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई अ चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेज इज द वैक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू दीज अदर चार्जेज एज इफ दे आर एग्जिस्टिंग इंडिविजुअली। मतलब हम लोग F12 को, F13 को, F14 को और F15 को, इन सभी फोर्सेज को इस तरह से निकालेंगे जैसे बाकी सारे फोर्स अभी नहीं है और सिर्फ Q1 और Q2 के बीच में कितना फोर्स लगने वाला है, या फिर ऐसा समझे कि Q1 पर Q2 के वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो हम लोग अलग से निकालेंगे, ऐसा समझ कर कि बाकी सारे चार्जेज यहाँ पर नहीं है। सिमिलरली Q1 Q3 के बीच में जो चार्ज निकालेंगे तो उस समय हम लोग Q2 Q5 और Q5 को Q4 को एज्यूम नहीं करेंगे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअली हम सभी चार्ज की वजह से उस पर लगने वाला Q1 पर लगने वाला फोर्स निकालेंगे और उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे, अल्जेब्रिक वेक्टर सम कर देंगे, और वो वेक्टर सम हम लोगों को देगा टोटल फोर्स, टोटल Q1 पर लगने वाला फोर्स। तो फोर्स ऑन Q1 मिल गया हमें टोटल क्या, F12 वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस वेक्टर F15। तो इस तरह से हम लोगों ने इंडिविजुअली फोर्स निकाला उस पर Q1 पर लगने वाला और टोटल फोर्स निकाल दिया F1, जो कि टोटल Q1 पर लगने वाला फोर्स है ड्यू टू दिस एंटायर सिस्टम। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही हुआ कि अलग अलग इंडिविजुअली फोर्स निकालिए और सबको सुपर इम्पोज कर दीजिए, एक साथ उसके ऊपर एड कर दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए, दैट विल गिव द टोटल फोर्स, एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो ये स्टेटमेंट और ये एक्सप्रेशन दोनों आपको याद रखना है। अब ये तो रही बात कि जब हमने एक सिंगल चार्ज लिया था जिसके ऊपर हम लोग ये अलग अलग जो चार चार्ज थे Q2, Q3, Q4 और Q5, इसके वजह से हम लोग टोटल फोर्स निकाल रहे थे, बट ये नंबर ऑफ जो अलग अलग जो चार्जेज है ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो एक जनरलाइज एक्सप्रेशन भी चाहिए इसके लिए। तो एक जनरलाइज एक्सप्रेशन भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है हमारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का, वेक्टर FARA वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि QA चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, QA चार्ज लेंगे, मतलब A को हम लोग एक तरह से समझ लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर चार्ज कह दिए, ठीक है। तो QA चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है किसके वजह से, तो QB चार्ज के वजह से। तो QB चार्ज जहां पर B की जो वैल्यूज है वो क्या हो सकती है, B की वैल्यू 1 से लेकर के N तक हो सकते हैं, मतलब कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, Q1, Q2, Q3, इस तरह से N नंबर ऑफ चार्जेज अलग अलग हो सकते हैं, जिसके वजह से हमको कहां पे चार्ज निकालना है, QA पे चार्ज निकालना है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 into Q2 by R square, ये तो हम लोग पढ़े ही है, वेक्टर फॉर्म में पढ़े हैं, वेक्टर R अपॉन R क्यूब। तो वेक्टर R जो निकालेंगे वो बेसिकली किसके बीच का डिफरेंस होगा, मतलब डिस्टेंस होगा, तो QA और QB के बीच का, तो वही वेक्टर RA माइनस वेक्टर RB लिखा हुआ है, मतलब डिस्टेंस वेक्टर बिटवीन QA एंड QB। तो QA और QB के बीच का डिस्टेंस वेक्टर निकाल लेंगे और उसी डिस्टेंस वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, उस पर पावर 3 कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया। इसमें यह ध्यान रखना है कि जब हम लोग सपोज यहाँ पर अगर हम लोगों को Q1 के लिए चार्ज निकालना था, Q1 पे टोटल फोर्स निकालना था, तो Q1 पे टोटल फोर्स निकालने के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला लिया, Q1 Q2 Q1 Q5 Q1 Q3 Q1 Q4
Q1 Q1 नहीं लिया हमने, ये ध्यान रखना है। मतलब Q1 पर जो फोर्स निकाल रहे हैं उसमें हम लोग Q1 का जिक्र दोबारा से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। Q2 पर अगर फोर्स निकालेंगे तो हम किसका किसका बात करेंगे, तो Q2 Q1 निकालेंगे, Q2 Q5 निकालेंगे, Q2 Q4 निकालेंगे, Q2 Q3 निकालेंगे, बट Q2 Q2 निकालेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब खुद की वजह से जो फोर्स है वो नहीं निकालने वाले। तो वही पॉइंट इस यहाँ पर क्लियर किया गया है कि बी विल बी नॉट इक्वल टू ए, मतलब Q1 Q1 ऐसा नहीं स्टेटमेंट में रहेगा, क्योंकि Q1 की वजह से Q1 पे फोर्स तो निकालेंगे नहीं ना। Q1 पर फोर्स निकालेंगे किसकी वजह से? बाकी सारे जितने भी चार्ज हैं उसके वजह से, ठीक है। अगर Q2 पे फोर्स निकालना है तो हम किसकी वजह से निकालेंगे? Q2 को छोड़ करके, मतलब Q1 Q3 Q4 Q5 की वजह से निकालेंगे। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे क्लियर किया गया कि बी नॉट और बी और ए जो है वो इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि Q1 पर Q1 की वजह से या Q2 पर Q2 की वजह से फोर्स नहीं निकालने वाले हैं। अगर हम लोग Q1 पे फोर्स निकाल रहे हैं तो Q1 को छोड़ करके बाकी सारे टर्म्स यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे, Q2 Q3 Q4 Q5, और अगर फर्दर और ज्यादा भी चार्ज हुए तो सारे चार्जों को यहाँ पर लिया जाएगा और उन सभी चार्ज से इसका डिस्टेंस वेक्टर निकाला जाएगा और उस डिस्टेंस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का पावर 3। तो ये जनरल फॉर्मूला रहेगा हमारा टोटल पोजिशन, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टोटल फोर्स का, ठीक है। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली इन दो स्टेटमेंट्स में क्लियर है और इन स्टेटमेंट्स और दो एक्सप्रेशन में क्लियर है। तो आई होप कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आप समझ चुके होंगे। फिर भी एक बार दोबारा से रिकैप्चर कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू अदर चार्जेस एज इफ दे आर एग्जिस्टिंग इंडिविजुअली। मतलब किसी चार्ज पर जो फोर्स निकालेंगे वो फोर्स जो होगा वो सभी इंडिविजुअल चार्जेस द्वारा लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम होगा, ठीक है। और उसके लिए हमने Q1 पर टोटल चार्ज सारा फोर्स निकाला था, F12, F13, F14 और F15, और वो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम किया था, तो इस पर Q1 पर लगने वाला टोटल फोर्स निकल गया। और उसी के लिए हमने फर्दर एक्सप्रेशन डिराइव किया कि जनरल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने Q1 से लेकर Q5 तक बात की थी, लेकिन ये 5 नहीं n नंबर्स तक जा सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बनाया जिसमें कि हम लोगों ने QA चार्ज पर लगने वाला फोर्स का एक्सप्रेशन डिराइव किया, और वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आपके सामने, ठीक है। तो इन द प्रेजेंट एग्जांपल, जिस जो ये एग्जांपल है इसमें A का वैल्यू 1 है और B का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिया हमने? 2 to 5, 2 से 5 तक। मतलब अगर इसको हम लोग एक्सप्रेस करना चाहें तो F12 पहले कैसे निकालेंगे? तो 1/4π0 Q1 इंटू Q2, इसके लिए Q1 इंटू Q2, और डिस्टेंस वेक्टर क्या होगा? वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 और डिवाइडेड बाय वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 पावर 3। तो ये F12 का वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह से F13 हम लोग निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे? 1/4π0 Q1 इंटू Q3, F13 नहीं निकाल रहे हैं तो Q1 इंटू Q3, और डिस्टेंस वेक्टर R1 माइनस R3 अपॉन R1 माइनस R3 पावर 3। इसी तरह से F14 और F15 निकालेंगे और सबको सम करेंगे, देखिए समेशन का साइन है, तो सबको सम करेंगे। सम करने के बाद ये एक्सप्रेशन जो है वो फाइनल रिजल्ट अपना दे देगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।